नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर भी, तो सबके घर में केक जैसा डेजर्ट बनेगा या बाजार से आएगा। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही अच्छा ब्राउनी डेजर्ट केक, जिसे हम बॉक्स में ही बनाएंगे और हमें बाजार से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम 100 ग्राम के लगभग चॉकलेट लेंगे और 50 ग्राम मक्खन लेंगे। चॉकलेट को हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे और उसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोनों चीज़ों को हम माइक्रोवेव के अंदर 30-30 सेकेंड तक दो या तीन बार चलाकर अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट को पूरी तरह मेल्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर थोड़े थोड़े चॉकलेट के टुकड़े रह जाएंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चॉकलेट के टुकड़े भी अच्छे ही लगेंगे बॉक्स के अंदर। ये देखिए, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। एक कप मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है, एक टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया है। साथ में 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कोको पाउडर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा कोको पाउडर डालने की ज़रूरत हमें इस केक में नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर चॉकलेट ली है। अगर आप चॉकलेट ना लें तो उसकी जगह आप कोको पाउडर 2 टेबलस्पून की बजाय 5 टेबलस्पून कर सकते हैं, यानी 1/4 कप, तो भी वही बात रहेगी। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के लगभग वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे और साथ में रूम टेम्परेचर पर आधा कप के लगभग दूध हम दो बार में धीरे धीरे करते हुए इसके अंदर मिक्स करेंगे। एक साथ सारा दूध मिक्स नहीं करना है, नहीं तो उसके लंप्स जो है उसको ठीक करने में हमें दिक्कत आएगी। इस तरह से इसकी काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। केक की कंसिस्टेंसी और ब्राउनी की कंसिस्टेंसी के अंदर दोनों के बैटर में फ़र्क होता है। केक थोड़ा रनी होता है और ब्राउनी को हमें थोड़ा सा क्रम्बली बनाना होता है। इस तरह से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जिस बाउल में आपको जिस शेप का आपको ब्राउनी बॉक्स बनाना है उसी शेप का हमें केक तैयार करना है। मैंने ओवल शेप ली है। इस तरह से इसके अंदर हम एक बटर पेपर लगा देंगे, सारी तरफ ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे और ब्राउनी इसमें चिपके ना, इसके लिए हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून के लगभग मैदा डाल के चारों तरफ अच्छी तरह से उसे मैदा से कोट कर देंगे। इस तरह से हमारे ब्राउनी के चिपकने का डर नहीं रहेगा। अब हमारा ब्राउनी का बैटर भी तैयार है। अब हम धीरे धीरे करके एक दो बारी से अच्छी तरह से और कट एंड फोल्ड मेथड से चलाएंगे और उसके बाद इसे बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने ये ओवल शेप का बॉक्स लिया है क्योंकि मेरे पास कांच का एक बाउल है ओवल शेप का, उसके अंदर मैं ब्राउनी बॉक्स तैयार करूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप का ले सकते हैं। अब इतनी देर कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये ब्राउनी बॉक्स जो हमने तैयार किया है इसको हम इसके अंदर रख देंगे और 40 मिनट तक, बिल्कुल 5 मिनट पहले हाई फ्लेम, उसके बाद 40 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसे इस तरह से पकाएंगे। बीच में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। अगर हम इसे बीच में खोल देंगे तो ये जो केक का बैटर है वो नीचे बैठ जाता है, केक उतना प्लफी और जालीदार नहीं बनता है। 40 मिनट के बाद ये देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब मैं आपके सामने ढक्कन हटा के इसको हम टेस्ट करेंगे। हमें चाकू से या किसी सीख से, यानी कि स्टिक से चेक करना है। अगर स्टिक हमारी बिल्कुल साफ़ बाहर आ जाए तो हमारी ब्राउनी अच्छी तरह से बेक हो गई है। ये पूरी तरह बेक हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह ढककर रख देंगे। उसके बाद हम इसे किसी जगह निकाल कर रख देंगे और ऊपर से एक कपड़ा ढक देंगे ताकि ये ऊपर से सूखे ना। अब मैंने एक कप जो है व्हिपिंग क्रीम एक बाउल के अंदर ली है। व्हिपिंग क्रीम को हमेशा हमें चिल्ड जो है तभी बीट करना चाहिए, तब इसमें अच्छी तरह से पीक्स बनते हैं। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग शुगर पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम पहले से ही स्वीट हो तो उसके अंदर शुगर पाउडर डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अच्छी तरह से 5-10 मिनट तक बीट करने के बाद इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगी और हमें इसी तरह कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें इसे केक की आइसिंग नहीं करनी है, बस ऊपर से लगाना है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पीक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, केक हमारा पूरी तरह ठंडा हो चुका है और बहुत ही अच्छा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जालीदार ब्राउनी केक बनकर तैयार है। अब हम इसका ऊपर का हिस्सा, जो केक का हमेशा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बेक करने के बाद, उसको निकाल देंगे। इस हिस्से का इस्तेमाल या तो हम साइड में फिलिंग के लिए कर सकते हैं या इसके अंदर आप क्रीम मिला दीजिए, व्हिपिंग क्रीम, और ऐसे ही एक तरीके से केक कप तैयार हो जाते हैं। इस तरह आराम आराम से मैंने ऊपर वाली परत जो है वो निकाल दी है। ये देखिए, एकदम बढ़िया जाली केक के अंदर बनकर तैयार हुई है और बहुत ही आराम से केक जो है वो हमारा कट गया है।
अब मैं इसे एक कांच के बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। बाद में साइड में जो खाली जगह है उसमें मैं वही केक का जो चूरा हमने अभी अलग किया था वो मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से फैला देंगे। व्हिपिंग क्रीम आप जितनी मर्जी ज़्यादा या कम इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, जितनी आपके बाउल के अंदर स्पेस हो। मैंने ओवल शेप के बाउल में केक बनाया है क्योंकि मेरे पास ब्राउनी बॉक्स बनाने के लिए ओवल शेप का ही कंटेनर मौजूद था। आप चाहें तो इसे स्क्वायर या राउंड शेप किसी भी शेप में बना सकते हैं, और जिस बाउल में आपने केक जो है बेक किया था आप चाहें तो उसके अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम व्हिपिंग क्रीम को चारों तरफ से फैला देंगे और इस केक को हमें फ्रिज में रखने की भी बहुत ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर किसी स्टिक से या पेंसिल से अच्छी तरह से नीचे तक होल करेंगे ताकि जब हम ऊपर से चॉकलेट सिरप डालेंगे तो वो अंदर तक पहुंच जाए और बहुत ही बढ़िया ब्राउनी डेजर्ट बॉक्स तैयार हो जाए। अब हम एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून या तो आप व्हिपिंग क्रीम लें या जो नॉर्मल अमूल की क्रीम आती है वो भी ले सकते हैं, और उसके 2 मिनट तक माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ी सी 50 ग्राम के लगभग डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। और अच्छी तरह चलाते ही देखिए कितना अच्छा चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हुआ है। कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 टेबलस्पून नॉर्मल क्रीम लिए और उसको गैस पर भी आप गर्म कर सकते हैं और उसमें 50 ग्राम आप चॉकलेट डाल दीजिए। इस तरह से ये चॉकलेट गनाश हम पूरे बाउल के ऊपर फैला देंगे और इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक इधर उधर घुमा के स्प्रेड कर देंगे ताकि जो हमने होल्स बनाए थे उसके ज़रिए अंदर तक चॉकलेट जो है वो पहुंच जाए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हमारा ब्राउनी केक जो डेजर्ट बॉक्स बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी चॉको चिप्स या कन्फेटी से थोड़ा सा गार्निशिंग भी कर सकते हैं, पर ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी भी बनाएं। आपके घर में भी सबको ये बहुत पसंद आएगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ना हमें आइसिंग करनी पड़ी और ना ही कुछ। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमें तीनों लेयर्स ब्राउनी की केक की नज़र आ रही है। इस तरह से बहुत ही अच्छा केक हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं और क्रिसमस पर बच्चों को और परिवार को एक डेजर्ट के तौर पर सर्व कर सकते हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके सब जानकार लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँचती रहें। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए कितना सॉफ्ट जो है हमारा ब्राउनी डेजर्ट बॉक्स बनकर तैयार है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।